नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करूंगा, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है और उनको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उनको हुआ क्या है कि 6 महीने से जो है उनको फाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम थी और 6 महीने से जो है उनका ब्लड जो है गिर रहा था। उससे हुआ क्या कि उनमें जो है ब्लड की कमी होने लग गई और साथ ही साथ जो है उनमें जो है उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं रही, शरीर दुबला हो गया, चेहरा जो एकदम सिकुड़ गया है। तो उसमें वो चाहते हैं कि इसमें जो है वो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे जो है उनको वापस वो पहले वाले एनर्जी मिल जाए और खून रुकना भी बंद हो जाए, तो इसके बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, ये पाइल्स जो हैं वैसे तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसमें से ब्लड आपका गिरता ही जा रहा है, ब्लड रुकना ही बंद नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जितना भी ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान होता है, हमारे अंगों तक जो ऑक्सीजन, वो सब ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू जाती है। अगर आपके बॉडी में उतना ब्लड ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जो है सभी अंगों तक कैसे पहुँचेगी? अगर ऑक्सीजन आपके अंगों तक नहीं पहुँचेगी तो उन अंगों का विकास नहीं होगा, साथ ही साथ वो अंग जो हैं आपके काम करना बंद कर सकते हैं और आपको ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए पाइल्स को जो है आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, उसमें जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम जो है इसका मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको जो है ये ब्लीडिंग जो आपकी हो रही है वो रोकनी आपको पड़ेगी। अगर आपकी जो है ब्लीडिंग नहीं रुकी तो आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो आपके ब्लड जो है निकलता जा रहा है, आपके अंगों तक ऑक्सीजन जो भी नहीं पहुंच रही है, तो अंग जो है वापस खून भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको बाहर से भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपकी अगर आपको पाइल्स हैं और अगर आपको फिशर हैं, तो इन दोनों में ही जो ब्लीडिंग होने का कारण है कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो गया है। आपको जो अभी यही करना है कि मेरे जो बहुत से वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप जाके उन वीडियो को देखिए और मैंने उसमें बहुत से तरीके बताए हैं आपके मल को सॉफ्ट करने के लिए। अभी के लिए आप ये कीजिए कि आपके जो घाव हो गया है पाइल्स का या फिशर का, उसमें से ब्लीडिंग आपको रोकनी है, इसके लिए आपको मल को सॉफ्ट करना पड़ेगा। आपको डायरिया नहीं होना चाहिए, आपको जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन लीजिए और हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन कीजिए, फाइबर फूड लीजिए, इनसे जो है आपका मल सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो है आपके मल आपका सॉफ्ट हो गया, आपको ब्लीडिंग होनी बंद हो गई, तो होता क्या है कि धीरे धीरे घाव जो है अपने आप भरने लगते हैं। अगर आप जो है एक जगह पे घाव हो गया है और बार 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 उस पर घाव होता ही जा रहा है, तो बॉडी भी जो उसको हील नहीं कर पाती है। तो इसलिए बहुत से लोगों में देखा गया है, स्टार्टिंग में पाइल्स होती हैं या फिशर होता है, वो अगर अपने मल को सॉफ्ट कर लेते हैं तो उनमें जो है वो फिशर और पाइल्स जो है ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनका घाव छोटा सा था और बार बार जो है वो घाव कट नहीं रहा था, बार बार घाव जो है बड़ा नहीं हो रहा था। तो होता क्या है, बॉडी अपने आप जो उसको हील कर देती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाती हैं। बात रही कि आपका जो है शरीर दुबला हो गया है, तो इसमें आपको फिर जो क्या है कि धीरे धीरे अगर आपका पाइल्स फिशर में जो है खून आना बंद हो जाता है, तो बॉडी जो है उसको बनाना भी चालू कर देती है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें आप अपने बॉडी में खून कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपके खून बनना भी जो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आप जो है चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, जो बीट रूट जो आता है उसका सेवन करिए, उसमें जो है खून बनाने की बहुत अद्भुत जो है शक्ति होती है, वो आपकी बॉडी में जो है खून आपका जो है बनाएगा और आपके खून की जो है पूर्ति करेगा। तो ये कुछ नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तरीक़ों से जो है आप अपने शरीर को जो है वापस पहले जैसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको खून बंद करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो है मल को सॉफ्ट करिए और कुछ जो है वहाँ पे आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, जिससे मल जो है आसानी से पास हो पाएगा। साथ ही साथ खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिए और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो आपके खून बनाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।